हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके लिए ये सोयाबीन की हमारी वेज बिरयानी की रेसिपी लेकर आया हूँ। ये मैंने 10 से 12 लोगों के लिए मैंने बिरयानी बनाई है। और दोस्तों, इसमें मैंने ये केवल 100 से 150 रुपये में ये 10 से 12 लोगों के लिए बिरयानी बनकर रेडी हो चुकी है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आप भी अपने मेहमानों को इस बार कुछ नया खिलाइए। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और बनाइए। यहाँ पर मैंने 1 किलो ये हरी पत्ती चावल लिए हैं, आपको ये मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे। ये 4 प्याज की गांठ और ये 2 टमाटर और 1 नींबू और ये अदरक लहसुन और इसका मैं पेस्ट बना रहा हूँ। ये हरी मिर्ची हम और एक ये 10 रुपये का बरी का पैकेट लिया है मैंने, ये सोयाबीन की बरी है। अब हम चावल को धो के और दोस्तों मैं इन्हें गलने के लिए रख दूंगा कुछ आधा से पौन घंटा के लिए। तो यहाँ पे मैंने चावल धोकर और इन्हें गलने के लिए रख देता हूँ क्योंकि ये हम पानी जो सोख लेंगे। अब मैं यहाँ पर कुछ खड़ा गरम मसाला लूँगा, ये इसका पेस्ट हमें बनाना है। हम कोई भी मसाला यूज़ नहीं करेंगे बिरयानी के लिए, केवल हम घर का ही बना मसाला यूज़ करेंगे हमारी बिरयानी में। और दोस्तों आप विश्वास कीजिए, ये बिल्कुल मार्केट और रेस्टोरेंट जैसी बिरयानी ही बनेगी। तो यहाँ पर 1 चम्मच मैंने ये सौंफ डाल दी है और 2 तेज़पत्ता और इनका पेस्ट हमें अच्छा बारीक कर लेना है। तो ये हमारा गरम मसाले का पेस्ट अच्छा बन गया है। अब हमारा अदरक लहसुन का भी पेस्ट बना लेते हैं। ये अदरक लहसुन का भी पेस्ट बन गया है। मैंने यहाँ पे ये मिर्ची भी देखिए 1 में से 2 काट ली है और ये प्याज भी इतनी खड़ी खड़ी आपको इसी शेप में काटना है और ये टमाटर भी मैंने काट लिए हैं। और यहाँ पे कुछ थोड़ा गरम मसाला मैं बघार के ले लूँगा, जैसे ये लौंग, काली मिर्ची, सिया जीरे, 2 तेज़पत्ता हैं, दालचीनी और 1 बड़ी इलायची। आपको भी ये मसाले लेना है बघार के लिए। और जो हमारा 1 नींबू था ये भी हम मैंने काट लिया है। तो आप विश्वास कीजिए, बिल्कुल मार्केट जैसी ही आपकी बिरयानी बनेगी, बिल्कुल भी मार्केट जैसी ही। तो अब हम बिरयानी बनाने के लिए मैंने ये बड़ा पतीला लिया है क्योंकि ये 1 किलो चावल की है तो इसमें बड़ा पतीला ही यूज़ में आएगा। यहाँ पे मैंने 1 कटोरी तेल डाल दिया है और अब जो हमारे मसाले थे उन्हें भी तेल में डाल देंगे और जो हमारी प्याज थी उसे भी डालना है इसी बीच। और दोस्तों हमें ये प्याज अच्छी कलर, ये गोल्डन इसका कलर आने तक इसे भूनना है। प्याज को हम अच्छा ही भूनेंगे और फिर उसमें ऐड करेंगे ये मैंने हरी मिर्ची। ये देखिए प्याज हमारी भून कर बिल्कुल रेडी हो चुकी है, इसी कलर में आपको भी भूनना है। अब डालेंगे हमारा जो अदरक लहसुन का पेस्ट था, इसमें हम इसी बीच वो ऐड करेंगे। और ये डालने के बाद हमें 1 से 2 मिनट इसे भी भूनना है। और जब हमारी प्याज भुन जाए तो हमें गैस की फ्लेम बिल्कुल लो रखना है। ये देखिए हमारा अदरक लहसुन भी अच्छे से भुन गया है। ये देखिए क्या कलर आ रहा है अभी से बिरयानी का। अब इसी बीच हम अब टमाटर डाल देंगे। और दोस्तों टमाटर डालने के बाद जब तक ये हमारे टमाटर गलेंगे तब तक हमें इस मसाले को भूनना है। तो इसमें टाइम मैं नहीं बता सकता, ये मैं नमक डाल दूंगा, इससे और जल्दी भी गल जाएंगे टमाटर। तो हमें बस केवल टमाटर गलने तक इसे चलाना है। तो इसे मैं चलाते रहता हूँ। आप देख सकते हैं ये हमारे टमाटर आधे बन चुके हैं। अब इसी बीच मैं ये जो हमारा नींबू था इसमें रस निकाल के रख लेता हूँ। ये मैंने नींबू का रस निकाल लिया है। ये फाइनली हमारे टमाटर भुनकर रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं ये क्या गजब के हमारे टमाटर भुन चुके हैं। अब डालेंगे जो हमने गरम मसाला तैयार किया था पेस्ट, उसको इसी बीच हमें वो ऐड करना है, उसे भी भून लेना है 1 से 2 मिनट। और थोड़े से मसाले, ये थोड़ी सी मैंने हल्दी ली है, ये थोड़ी सी लाल मिर्च और ये इतना ही थोड़ा सा धनिया, इसे भी डाल के इन सभी को हमें 2 से 3 मिनट धीमी आंच पर भूनना है। और इसमें थोड़ा सा मैं जो
मैंने हरा धनिया लिया था काट के, वो भी डाल दूंगा। जो मार्केट जैसी हमारी खिली खिली बिरयानी बनाएंगे उसके लिए सीक्रेट है, जो मैंने एक नींबू लिया है उससे जो हमारे चावल बिल्कुल भी चिपचिपे नहीं होंगे। आप और ये सोयाबीन की बरी, इसे हम इसी मसाले में डाल देंगे और इसे भी 1 से 2 मिनट इसे भी भून लेंगे, तो ये अच्छे से तल जाएंगी इसी तेल में। आपको भी इसी तरह से तलना है। ये हमारी पूरा मसाला तैयार हो चुका है, जो हमारे गले हुए चावल रखे थे अब हम इसे डाल के फाइनली हमारी बिरयानी बनना, समझ लीजिए बन चुकी है। बस इसे हमें उबालना। ये मैंने थोड़े से चावल आप देख रहे होंगे कि बचा लिए हैं, ये मैंने कलर के लिए चावल बचाए हैं, 1 मुट्ठी भर चावल। और ये मैंने 1 चम्मच काला नमक और 1 चम्मच से थोड़ा कम ये टेस्टी नमक है, नमक इसमें हमें थोड़ा ज़्यादा ही डालना है। इसी बीच मैंने ये नींबू डाल दिया है और अब मैं पानी डाल दूँगा। पानी दोस्तों हमें केवल इतना ही डालना है कि हमारे चावल उसमें भीग जाए, डूब जाए मतलब। अब हमें पानी इसमें ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि जो हमारे चावल हमने गलाए थे उनमें भी उनने पानी सोख लिया है, तो हमें पानी केवल इतना ही डालना है कि वो गल जाए। अब हमारी बिरयानी जब तक वो पकती है तब तक ये हम चावल अपने कलर कर लेते हैं। इसमें नमक और कलर डाल के इसे साथ में उबलने के लिए रख देता हूँ। वो उबलने के लिए रख दिए हैं, तब तक ये हमारी मार्केट जैसी हम चटनी बना लेते हैं। तो ये मैंने धनिया, 1 थोड़ा सा लहसुन अदरक, ये हरी मिर्ची, ये तीखी कम होती है, ये बड़ी मिर्ची है, और इसमें 1 टमाटर, और मैं इसमें 1/2 नींबू भी डाल दूंगा और इसे अच्छे से पीस लूंगा। ये नमक डाल दिया है और ये देखिए मैंने 1/2 नींबू, तो ये बिल्कुल मार्केट जैसी ही चटनी बनेगी, आपने बिरयानी के साथ खाई होगी जो, तब तक हमारे चावल बनते हैं। ये देखिए ये मैंने 15 से 20 मिनट हमारी बिरयानी पक चुकी है, और ये कलर वाले चावल भी, तो इस पे मैं ये कलर वाले चावल की अब परत लगा के छोड़ देता हूँ। आप देख सकते हैं ये परत लगा दी है मैंने कलर वाले चावल की। अब इसे अभी भी हमें 10 से 15 मिनट और बिल्कुल धीमी आंच पर पकाना है। ये मैंने तब भी धीमी आंच पर पकाई थी और अब भी पकाई है, तो फाइनली ये हमारी बिरयानी पककर रेडी हो चुकी है। 20 मिनट मैंने पहले पकाई थी और ये 10 से 15 मिनट अब पकाई है, तो आप देख सकते हैं कितनी खिली खिली ये बिरयानी बनी है। आप मेरे तो मुंह में अभी से पानी आ रहा है। तो ये हमारी चटनी है जो बनाई थी मैंने, तो आप देख सकते हैं मैंने कितनी ही झटपट तरीके से ये बिरयानी बनाकर रेडी कर दी है। तो ये देखिए ये चावल देखिए क्या गजब के रेस्टोरेंट की तरह ही बिल्कुल ये हमारी बिरयानी बनी है। तो अगर आप भी ये 100 से 150 रुपये में ये 10 से 12 लोगों के लिए आप बिरयानी बनाना चाहते हैं तो मेहमानों के लिए बनाइए। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद जय भारत।